गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह ही सुबह हम निकल चुके हैं। फिर एक और दिन और वही एक और स्ट्रगल। अभी जा रहे हैं हम डॉक्टर लाल पैथ पे मेडिकल टेस्ट करवाने मदर के साथ, और धूप आज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक भी हो रहा है। आज है मंगलवार का दिन, तो अभी मिलते हैं हम डॉक्टर लाल पैथ लैब पे, टेस्ट वेस्ट करवा के फिर हम जाएंगे पार्क। पार्क पे थोड़ी सी धूप लगानी है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। मम्मी गई हैं अंदर पार्क में, पार्क के आगे हम बैठे हैं, ये पार्क का गेट है। हमें अंदर नहीं जाना था क्योंकि बाजी हैं साथ में, तो इसलिए मुझे जाना नहीं था। और मेरा कल है एग्ज़ाम, तो मुझे ख़त्म करना था ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ओवरव्यू, नॉर्म्स उसके ख़त्म करने थे, तो ये चीज़ आज मुझे ख़त्म करनी थी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिली, जैसे कि सबसे पहले उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ होती हैं उसकी वजह से हर साल 20,000 लोग मरते हैं अन्य तरीकी जो डिज़ीज़ होती हैं और वाटर कंटेमिनेशन से। उसके बाद जो चीज़ इन्होंने दी है किताब में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो स्पीशीज़ हैं सॉइल के अंदर, उन फंगीसाइड्स को यूज़ करने से जो फंगस है वो अपने अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा कर देती है, और वो ज़्यादा ख़राब तरीके से और सीरियस हेल्थ इशू लेकर आती है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो काफ़ी सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर न्यू डिज़ीज़ बन रही है, क्योंकि हम केमिकल एक्सपोजर्स दे रहे हैं अपनी फसलों को। जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम वर्क करना चाहिए वो इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा, इसलिए आप जो भयंकर बीमारियाँ जिससे डील नहीं करा जा पा रहा, तो वो बीमारियाँ हमारे सामने एक चैलेंज बन के आ रही हैं, इसके अंदर साफ बताया गया है। तो अभी हम इस पूरे 8 units हैं, 8 units को ख़त्म करते हैं। 1.5 घंटा हमें लगेगा इसको पढ़ने में, जो सब है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। आज धूप बढ़िया हो रही है, मौसम भी बढ़िया हो रहा है पार्क में, तो हमारी थोड़ी सी स्टडी कम्प्लीट हो गई, 3 units हमने कम्प्लीट कर लिए, और अभी रह गए अराउंड 5-6 units, 5 units रह गए, रात तक हम कंप्लीट कर लेंगे। कल एग्ज़ाम है सुबह 10 बजे, उससे पहले पहले हो जाएगा। मौसम अच्छा हो रहा है बिल्कुल, और अच्छी हवा चल रही है, आसमान अब क्लियर है, बादल हाइपरलैप्स वाले फॉर्मेशन के थोड़े दिन में बनने शुरू होंगे, तो मम्मी बैठी हुई है सामने हमारे, और अभी बस हम यहाँ से निकलेंगे नोएडा। अभी मसी को कॉल करते हैं, मसी को लेकर जाएंगे। रिक्शा वाले देखो, अभी स्कूल की छुट्टी हुई है, पूरे के पूरे ड्रामे करके चला रहे हैं, और ये हो सकता है कि गाड़ी को ठोके। दोनों तरफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामेबाजी देखो इनकी, ई रिक्शे वालों की। सारे के सारे लड़कियां छेड़ने आए हुए हैं, अभी गर्ल्स स्कूल की छुट्टी हुई है, और सामने ट्रैफिक पुलिस वाला। तो अभी हम जा रहे हैं लाजपत नगर जैकेट को सिलवाने, और वहां से जाएंगे करोल बाग, बेल के मैक्स और व्यापार मार्केट, और बाइक का पार्ट लेने, जो आपने सील पिछले 2 वीडियो में देखी होंगी, 2 वीडियो पहले, तो वहाँ जाना है। तो भी मिलते हैं रास्ते में टाइम लैप्स में,
भी नहीं आया। लिखो 985। हेलो, जैकेट करवा रहा हूँ। 940 सही, 940 लाजपत। यहाँ से फिर निकलेंगे सीधा करोल बाग, 10 मिनट में ही हो जाएगी जैकेट। तो अभी हम आए हैं BLK मैक्स स्पॉज हैं, हमें करवाने थे रीएम्बर्समेंट के कुछ फॉर्म पे साइन। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, जाके डॉक्टर से साइन करवाते हैं और स्टैंप करवाते हैं, और बिल पे भी स्टैंप होनी थी। बिल हमारे हो गए, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से BLK मैक्स। पार्किंग से बाइक लेके सीधा करोल बाग निकलेंगे, तो वहाँ से हमें पार्ट लेना है, पार्ट लेके सीधा घर। 1 घंटा अराउंड लगेगा अभी हमें घर पहुँचने में, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होती है। अगर गाड़ी लेकर आओ तो 3 से 4 घंटे आपको देंगे, बाइक से इसलिए कन्वीनियंट रहता है। खड़ी करनी है, नहीं कर लेते खड़े में। राजेंद्र पैलेस, सारे IAS अकेडमीज यहाँ पर, टोटल IAS।